नमस्कार दोस्तों, आज का प्लान 20 बाई 30 फीट के घर के लिए है। जी हाँ, काफी लोगों के निर्माण का जो बजट होता है वो थोड़ा होता है या प्लाट का साइज ही बहुत कम होता है। देखिए, घर चाहे आप एक कमरे का बनाइए, चाहे आप कैसा भी बनाए, मगर घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाइए। जैसा कि आपको पता है, 20 बाई 30 का उत्तरमुखी घर है ये, नॉर्थ फेसिंग। आगे से जो मुख्य सड़क जा रही है वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। इसलिए ये जो घर बनेगा ये नॉर्थ फेसिंग घर बनेगा। आपके सामने पूरा प्लान बना के हमने रेडी कर रखा है, पूरा वास्तु सम्मत प्लान है। कहां पर क्या रखना है, कितने बाय कितने की क्या चीज होगी, पिलर कहां कहां आएंगे, पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। प्लान किस चीज का है यह भी हम आपको शेयर करेंगे। एक सब्सक्राइबर के कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान रेडी किया गया है। यहां से लेकर यहां तक प्लाट की चौड़ाई 20 फीट कवर की गई है, 20 फीट इधर से कवर की गई है, 30 फीट लंबाई कवर की गई है और इधर भी 30 फीट लंबाई। यानी कि प्लाट में कोई भी वास्तु दोष नहीं है, किसी भी तरह का कॉर्नर बढ़ा हुआ नहीं है, जो कि अशुभ माना जाता है। अब देखिए, इधर आगे उत्तर दिशा है, इधर आपके पूर्व दिशा है, ईस्ट है, पीछे की तरफ आपके साउथ है, दक्षिण दिशा है, इधर आपके पश्चिम दिशा है। वास्तु में दिशाओं का बहुत ही मुख्य योगदान होता है। बिना दिशा के कभी भी कोई भी घर, दुकान या फैक्ट्री का वास्तु या कोई भी तरह का नक्शा नहीं बन सकता है। तो देखिए, मुख्य सड़क उत्तर की तरफ है, तो मेन दरवाजा, अब हम घर में जाने के लिए एंट्रेंस जो मेन डोर होता है वो कहाँ लगाएंगे। मेन डोर हमने यहाँ पर दिया है, जो आपका मुख्य दरवाजा होगा, ठीक है। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, बाहर की तरफ हमने सीढ़ियां दे दी है। सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वो हमने 6.5 फीट रखी है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6.5 फीट की चौड़ाई रखी गई है सीढ़ियों की, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हम अंदर एंटर होते हैं, अंदर एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मुख्य द्वार यानी कि दरवाजा लग रहा है, और अंदर आपके लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आपका लिविंग एरिया मतलब सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे, बड़ा सारा ब्रह्मस्थान है, आंगन बड़ा सारा रहेगा, हॉल जिसको हम बोलते हैं, और उसी हॉल के अंदर डाइनिंग टेबल आपकी सेट हो जाएगी। एक खिड़की इधर के ओपन एरिया में खुल जाएगी ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। यहाँ पर सोफे वगैरह सेट है, घर बहुत सुंदर लगेगा। उसके ठीक बाद में आप देखिए सामने, ये जो आप देखा कि आपने हमने आपको बताया, ये पूरब और दक्षिण का कॉर्नर यानी कि अग्नि कॉर्नर है। तो यहाँ पर आपको रसोई घर यानी कि किचन सेट करना है, जो कि वास्तु सम्मत दिया गया है। तो यहाँ पर किचन का मेन डोर लगेगा, जो आप 3 फीट तक ये दरवाजा लगा सकते हैं, 3 फीट की चौड़ाई में। अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका गैस चूल्हा सेट हो जाएगा। 2 खिड़कियां हमने रखी है अच्छे वेंटिलेशन के लिए। किचन में अच्छा वेंटिलेशन होना, हवादार किचन होना बहुत जरूरी होता है, वरना पूरे घर में धुआं और पूरे घर का वेंटिलेशन खराब हो जाता है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे आंगन से, तो यहाँ पर एक दरवाजा लगेगा 3 फीट का। अंदर प्रवेश करेंगे तो ये बड़ा सारा कमरा है, 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का बड़ा कमरा है। वास्तु सम्मत आपका बेड लगेगा। 2 विंडो हमने दी है यहाँ पर, और यहाँ पर 4-4 फीट की विंडो रहेगी। जितने भी विंडो आप देख रहे हैं, 4 फीट के स्पेस में रखी गई है सारी विंडो, ठीक है। अब ये आपका रूम हो गया। उसके बाद में आंगन से आप इधर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक दरवाजा दिया गया है 2.5 फीट का। 2.5 फीट दरवाजे की चौड़ाई है। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, 4 फीट की चौड़ाई है, और इस दीवार से लेकर यहाँ तक ये 9 फीट 9 इंच की लंबाई रहेगी, ठीक है। पूरा बड़ा सारा आपका लेटरिन बाथरूम रहेगा। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन लग जाएगा, एक वेंटिलेशन विंडो और फैन आपका यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा वेंटिलेशन होगा, फैन जरूर लगाएं। जब भी आप आंगन में, रूम में अपना लेटरिन बाथरूम अटैच रखते हैं तो फैन जरूर लगाइए। फैन लगाने से इसकी जो दुर्गंध होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। अब देखिए, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, वास्तु सम्मत है, 1 रूम का, 1 BHK का पूरा आपका शानदार प्लान रहेगा। और इसके ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर आएगा उसका भी आगे हम प्लान अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो 600 स्क्वायर फीट में आपका बहुत शानदार सुंदर सा घर बन जाएगा। 600 स्क्वायर फीट में जब आप घर बनाते हैं तो बहुत कम खर्चे में आपका अच्छा घर बन जाता है। अब देखिए, इसके अंदर पिलर कहाँ कहाँ देने, मुख्य चीज हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर टोटल आपके जो पिलर आएंगे वो आपके आएंगे 12 पिलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पिलर टोटल आएंगे इसके अंदर। विंडो जितनी भी दे रखी है 4-4 फीट की है। दरवाजे जितने भी अंदर के दे रखे 3 फीट के, लेटरिन बाथरूम का 2.5 फीट का है। ये जो दरवाजा आपका रहेगा ये आपका 3.5-4 फीट तक आप रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्लान है। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, अन्य लोगों में भी शेयर करें। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो और भी अच्छे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सारे वीडियो वास्तु सम्मत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा आपसे इजाजत लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।